उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में सड़क सुरक्षा अभियानों का असर जरा भी नहीं दिख रहा है। लापरवाह वाहन चालकों की गलती का खामियाजा आम यात्री अपनी जान देकर चुका रहे हैं। बहराइच की सड़कों पर इन दिनों थोक के भाव मौतें बढ़ रही हैं। सड़क दुर्घटनाओं से सड़कें लाल हो गई हैं। इन लाल सड़कों पर हर दिन किसी का लाल काल के गाल में असमय पहुंच रहा है। रविवार का सूरज ही मौत की चित्कारों के साथ प्रकट हुआ। दबे पांव आने वाली मौत इस बार तेज रफ्तार में थी। पलक झपकते ही उसने 7 लोगों को अपने आगोश में जकड़ लिया। सड़क दुर्घटनाओं की आई बाढ़ में यात्रियों का जीवन बहा जा रहा है। आपको बताते चलें, रविवार की सुबह ऐसी ही एक दुर्घटना में 7 लोगों की जीवन लीला समाप्त हो गई। लखीमपुर खीरी की तरफ से आ रहे टेम्पो ट्रेवल ने नानपारा की तरफ से आ रहे ट्रक से सीधी और जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक महिला सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत चिंताजनक बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा उस वक्त हुआ जब दोनों वाहन ओवरटेक कर रहे थे। हादसे में घायल यात्रियों का इलाज CHC मिहींपुरवा में चल रहा है। सभी मृतक कर्नाटक राज्य के बताए जा रहे हैं, जो कि अयोध्या में दर्शन करने जा रहे थे। सूचना पर जिले के SP केशव कुमार चौधरी और DM दिनेश चंद्र ने घटनास्थल का दौरा किया और घायलों को उचित इलाज के निर्देश दिए। के चक्कर में हुआ है ट्रैवलर और ट्रक के, वो आपस में दोनों आमने सामने भिड़ गए। काफ़ी स्पीड में ट्रैवलर भी थी और जिसमें 5 लोगों की मौत ऑन द स्पॉट हो गई और बाकी लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 लोग पता चल रहा है कि CST के भी ख़त्म हो गए हैं। तो गांव की सहायता और पुलिस की सहायता से गाड़ी को निकाला गया है, फिर डेड बॉडी को निकाला गया, फिर एम्बुलेंस आई उसको लेके गई। यही बता सकते हैं कि कर्नाटक के बीदर डिस्ट्रिक्ट के कुछ लोग थे जो कहीं जा रहे थे दर्शन के लिए, जैसा बताया गया है। तो वहाँ पर दुर्घटना हुई जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हुई है। 6 लोगों का यहाँ पर अस्पताल में लाया गया है, उनका समुचित इलाज कराया जा रहा है और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो घायल हैं उनको सेफली बचाया जा सके और उनका समुचित इलाज हो सके। और बाकी हम लोग स्पोर्ट्स के लिए देख भी बता पाएंगे कि क्या है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।